बोकारो उपायुक्त के द्वारा टास्क फोर्स गठन के बाद जिले के एडिशनल कलेक्टर विजय कुमार गुप्ता और बेरमू अनुमंडल अधिकारी प्रेम रंजन, जिला माइनिंग अफसर डीटीओ ऑफिसर और कई अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जारंग डी साइडिंग बीएन के काटा में ओवरलोडिंग को लेकर अधिकारियों ने कागजात दिखाने के बाद गाड़ियों को पकड़ा और कथारा ओपी थाना में सौंप दिया, जिसमें कोयला लोड और छाये लोड है। उसके बाद बोकारो थर्मल पावर प्लांट में छाये पोंट नूरी नगर में ओवरलोड छाये लोडिंग ट्रक को देख काटा कराया गया, जिसमें ओवरलोडिंग पाया गया। उसके बाद छाये गाड़ी को भी थाने ले जाने को कहा। उपायुक्त महोदय ने कल एक बैठक किया था जिला टास्क फोर्स का, जिसमें पता चला कि इस इलाके में बेरमो और या चंदन क्यारी या चास चंद्रपुरा के इलाके में कोयला का ओवरलोडिंग, बालू का चोरी, जंगल जमीन पर अवैध माइनिंग क्रेशर जो है वो चल रहा है। इसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स जो पहले से गठित टीम है उन्होंने इसको भेजा है कि आप जाके देखें और जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे मामले हैं पूरी टीम के साथ उन पर कार्रवाई करना। इसके तहत में आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे साथ डीएसपी हैं, एससीओ हैं, डीटीओ हैं, माइनिंग अफसर हैं, सीटीओ हैं, हम लोग मिलके पूरा देख रहे हैं आपके साथ। अनसा इसी निर्देश के अनुरूप आज पूरी टीम एसी साहब के नेतृत्व में है इलाके में और हम हर जगह जाके चेक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात आ रही है सामने लाइव पर है सर, तो उस पर संबंधित पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं। बोकारो से चुरामन ठाकुर की रिपोर्ट।